चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, पहली खबर है एलटी ग्रेड के रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा था कि 20 तारीख से परिणाम दे देंगे, लेकिन लोक सेवा आयोग ने परिणाम नहीं दिया और उसके बारे में कोई सूचना भी नहीं मिल पा रही, इसलिए विद्यार्थी आज भारी संख्या में लोक सेवा आयोग पहुँच रहे हैं और एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। कल एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स कुछ विषयों के परिणाम जारी हुए हैं, जैसे संभागीय निरीक्षक का परिणाम कल जारी हुआ है और एक और परिणाम कल आया है, लेकिन एलटी ग्रेड का रिजल्ट नहीं आ सका और किसी भी विषय का नहीं आ सका। दूसरी खबर है कि टीटी 2011 के जो पास के अभ्यर्थी थे वो कई मंत्रियों से कई अधिकारियों से मिल रहे हैं और अपनी नियुक्ति के लिए कह रहे हैं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ कि टीटी पास अभ्यर्थियों ने ओम प्रकाश राजभर से लगाई गुहार। ये वो विद्यार्थी हैं जो बीएड पास थे और टीटी 2011 में इन्होंने पास किया था प्राथमिक स्तर का, और उसके लिए इसमें लिखा कि टीटी 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग मंत्री ओम प्रकाश राजभर से उनके आवास पर मुलाकात की और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। और विद्यार्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 3 महीने बाद भी निर्णय नहीं लिए जाने से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। इसके बाद में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बयान की भी चर्चा है जो लोकसभा में कही गई हैं कि जैसे कि हमने 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया है पुलिस विभाग में और शिक्षा विभाग में। इसके बाद में एक बात और यहाँ पर लिखी हुई है कि सुखदेव राजभर ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सीवी पालीवाल के इस्तीफे को लेकर भी सवाल उठाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिव से मनमुटाव के बाद में स्वास्थ्य कारणों से आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, ऐसी चर्चा है। और मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया है कि सचिव और आयोग के दो अध्यक्ष हैं उनके बीच में मनमुटाव चल रहा था और जो चेयरमैन थे सीवी पालीवाल उनकी धीमी कार्यशैली से भी मुख्यमंत्री नाराज़ थे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ है। इसके बाद में जो अगली खबर है वो है CTET का कल कोर्ट केस था इरशाद अली जी की बेंच में। एक केस एक दिन पहले था यानी कि 19 तारीख को, वो तो खारिज हो गया। जो 21 तारीख को केस था इरशाद अली जी की बेंच में, तो उसमें जवाब मांगा गया है। 2 या 3 जनवरी उसकी सुनवाई होगी, तारीख मिलेगी। और CTET की जो मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उनको सम्मिलित किया जाए, इसके बारे में 2 या 3 तारीख को यानी कि अगली डेट पर सुनवाई होगी। इसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ परिणाम हैं, उनके बारे में भी समाचार छपा हुआ है कि संभागीय निरीक्षक में 115 सफल। ये लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा भी थी 2014 प्राविधिक परीक्षा, उसका जो है फाइनल परिणाम ये आ गया है। अब इनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद में इनकी नियुक्ति होगी। तो दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा खबरें नहीं हैं, बस इतनी सूचनाएँ हैं। और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।